नमस्कार दोस्तों, पेट पूजा रेसिपीज़ में मैं पूजा एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। ये देखिए, हमारी मेथी मटर मलाई की सब्ज़ी देखने में कितनी स्वादिष्ट लग रही है। बिल्कुल वैसी ही रंगत है जैसी हम ढाबे में ऑर्डर करते हैं। तो चलिए, इस वीडियो में आज हम देखते हैं कि इसी तरह की तरीदार मेथी मटर मलाई कैसे बनाएं। पर रेसिपी देखने से पहले, अगर आपने पेट पूजा रेसिपीज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे जो लाल सब्सक्राइब का बटन है उसको आप ज़रूर दबाएं। तो चलिए शुरू करते हैं ये सब्ज़ी बनाना। सबसे पहले हम इसके इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। इसे बनाने के लिए पहले कुछ सब्जियां हमें तैयार करके रख लेनी है। यहाँ मैंने 3 मध्यम आकार के टमाटर को इस तरह से लंबा लंबा काट लिया है। 10 से 12 कलियां लहसुन की छील ली हैं, ये है काजू 8 से 10 टुकड़ा, और अदरक का तकरीबन 1 इंच लंबा टुकड़ा मैंने इस तरह से धो के छील के छोटे टुकड़ों में काट के तैयार कर लिया है। यहाँ है 1 मध्यम आकार का प्याज जिसको इस तरह से छोटे टुकड़ों में काटा है, और 2 हरी मिर्च, और इसी तरह से मेथी को यहाँ मैंने पत्ते तोड़ के अलग कर लिया है और बहते पानी में अच्छे से धो के इसकी मिट्टी निकाल ली है। और यहाँ है मेरे पास कुछ छिले हुए मटर के दाने। तो सबसे पहले हम इन मटर को उबाल लेते हैं। इसे उबालने के लिए एक माइक्रोवेव प्रूफ बोल में थोड़ा सा पानी का छींटा हम इन मटर में दे लेते हैं, और उसके बाद इसका लिड लगा के इसका वेंट बंद कर देते हैं। आप चाहें तो इसे भगोने में पानी में भी उबाल सकते हैं। 2 मिनट के लिए इसे बॉईल कर लीजिए, और उसके बाद मिक्सी में हम जो सब्जियां हमने काट के तैयार की थी जिसमें थे लंबे कटे हुए टमाटर, अदरक के टुकड़े, काजू और लहसुन, ये सब डाल के हम इसकी बिल्कुल बारीक प्यूरे बना लेंगे। आप चाहें तो थोड़ा सा पानी इसमें डाल के पीस सकते हैं। मिक्सी में प्यूरे तैयार करने के बाद अब हम सब्जी बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले एक कढ़ाई को हमने गैस पे चढ़ा लिया है, और उसमें 1 चम्मच देसी घी हम डाल लेते हैं, और उसके बाद इसमें डालेंगे 1/4 चम्मच हींग पाउडर, और हींग को इस तरह से क्रैकल कर लेते हैं। उसके बाद जो मेथी के पत्ते हमने धो के तैयार किए थे वो हम इसमें डाल लेते हैं। अगर आप मेथी का कड़वापन पसंद नहीं करते हैं तो 2 मिनट के लिए मेथी को पानी में उबाल लें, उसके बाद निचोड़ के उसका सारा कड़वापन निकाल लें और फिर इस तरह से फ्राई करें, तो आपकी मेथी कड़वी बिल्कुल नहीं रहेगी। मैं इसका न्यूट्रिशन इंटैक्ट रखना चाहती हूँ, इसलिए मैं इसको बॉयल नहीं कर रही हूँ। अब हम इसको ढक के 2 मिनट के लिए पका लेते हैं। तो इस तरह से हम लिड लगा लेते हैं और इसको मध्यम आंच पे पकने देते हैं। बीच बीच में आप इस तरह से मेथी को उलटते पलटते रहें, नहीं तो इसके नीचे लगने का डर रहता है। एक बार ढक के हम 1 मिनट के लिए इसको और पका लेते हैं, और 1 मिनट बाद ये देखिए मेथी हमारी अच्छे से श्रिंक हो गई है। तो इसको हम प्लेट में निकाल के अलग कर लेते हैं। मेथी निकालने के बाद उसी कढ़ाई में हम 3 बड़े चम्मच तेल गर्म कर लेते हैं, और उसके बाद इसमें 1/2 चम्मच जीरा डाल के उसे गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेते हैं। अब हम बारीक कटे हुए प्याज और हरी मिर्च को इसमें डाल के इस तरह से हिलाते मिलाते हुए मध्यम आंच पे गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। इसके बाद 1/2 चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला डाल लेते हैं और इसको भी 1 मिनट के लिए चला लेते हैं। प्याज और गरम मसाले के गोल्डन ब्राउन होने के बाद जो मिक्सी में हमने टमाटर, लहसुन, अदरक और काजू की प्यूरी बना के तैयार की थी उसको हम इसमें डाल लेते हैं, और अब हम इसमें डालेंगे मसाले। तो मसालों में सबसे पहले हम डाल रहे हैं 1.5 चम्मच देगी मिर्च। अगर देगी मिर्च नहीं है तो आप नॉर्मल मिर्च भी इसमें डाल सकते हैं। इसके बाद नमक डाल लेते हैं हम स्वादानुसार, और 1 चम्मच हम डालेंगे हल्दी पाउडर, और उसके बाद डाल लेते हैं पिसा हुआ धनिया पाउडर 2.5 चम्मच। तो ये मसाले हमने डाल लिए हैं। अब हम इसमें डालेंगे किचन किंग पाउडर, अगर आपके पास है तो आप डालिए, अदरवाइज़ ये ऑप्शनल है। आप कोई भी सब्ज़ी मसाला, गरम मसाला या मैगी मसाला या मैजिक जो भी आपके पास हो वो आप डाल लीजिए, पर ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है। और किचन किंग डालने के बाद सारे मसालों को हम मिक्स करके इस ग्रेवी को तेल के ऊपर छूटने तक अच्छे से पका लेते हैं। इसे पकाने के लिए इसके ऊपर लिड लगा लेते हैं, और गैस की आंच हमने मध्यम रखी है। 2 मिनट पकाने के बाद ये देखिए मसाला हमारा रेडी हो गया है, किनारों पे से तेल छूट के अलग हो गया है। तो इसको हम एक बार अच्छे से मिला लेते हैं। ये देखिए बहुत ही अच्छी बाइंडिंग मसाले में आई है। तो अब हम गैस को बिल्कुल धीमे कर देंगे, और धीमी आँच पर इस पके हुए मसाले में हम डालेंगे 1 कटोरी फिटी हुई मलाई। ये घर के ताज़े दूध के ऊपर की उतरी हुई मलाई है, तो इसको मैंने चम्मच से फेंट लिया है। और अब हम इसमें डालेंगे
दो चम्मच खट्टा दही, अगर आपका दही खट्टा नहीं है तो आप 3 से 4 चम्मच दही लीजिए, और उसके बाद इसको इस तरह से फेंट के मलाई में मिक्स कर लीजिए, और दही और मलाई का ये मिक्सचर अब हम हमारे पके हुए मसाले में डाल देते हैं। आप इस बात का ध्यान रखें गैस की आंच इस समय बिल्कुल धीरे है, और मलाई डालने के बाद लगातार इस तरह से हम इसको चलाते रहेंगे धीमी आंच पे। अगर हम इस तरह से चलाएंगे नहीं तो दही और मलाई फट जाएंगे और ग्रेवी हमारी फटी हुई सी बनेगी। तो इसको पूरी तरह से मिलने तक इस तरह से हिलाते रहें, और मलाई के पूरी तरह से मिक्स होने के बाद हम इसमें डालेंगे उबली हुई मटर जिनको हमने माइक्रोवेव किया था, और इसी के साथ देसी घी और हींग में जो मेथी हमने फ्राई करके रखी थी वो भी इसमें डाल देते हैं, और हिला के मटर और मेथी दोनों को ग्रेवी में मिक्स कर लेते हैं। और इसके बाद सब्जी को ढक के हम 2 से 3 मिनट के लिए मध्यम आंच पे पका लेंगे। 3 मिनट हो गए हैं तो हम एक बार लिड हटा के चेक कर लेते हैं। जी हाँ, ये देखिए मलाई में से घी छूटना शुरू हो गया है। तो अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच चीनी, और चीनी को भी हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, और दोबारा से लिड को ढक के 3 से 4 मिनट के लिए पका लेते हैं। और 4 मिनट पकाने के बाद ये देखिए हमारी मेथी मटर मलाई बन के पूरी तरह से तैयार है। मलाई का घी छूट के अच्छे से ऊपर आ गया है और बहुत अच्छी तरी बनी है। अब हम इसमें डाल लेते हैं 1 चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला पाउडर स्वाद और खुशबू के लिए, और उसके बाद गरम मसाले को भी हिला के हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए बहुत ही क्रीमी और वेलवेटी टेक्सचर हमारी ग्रेवी का है। आप चाहें तो इस समय अपने स्वाद के अनुसार इसमें पानी डाल के कंसिस्टेंसी एडजस्ट कर सकते हैं। इस समय ये बिल्कुल परफेक्ट है, तो हम इसको प्लेट में निकाल लेते हैं। हमारी सब्जी को डिश आउट करके मैंने अनियन रिंग से गार्निश कर दिया है। तो फ्रेंड्स, आप भी ट्राई कीजिए स्वादिष्ट मेथी मटर मलाई की ये आसान सी सब्जी, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो के नीचे बड़े से लाइक का थम्स अप देना बिल्कुल ना भूलें। इस वीडियो को सोशल मीडिया पे अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। पेट पूजा रेसिपीज चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अच्छा खाना इसी तरह बनाते रहें।